प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से। आपको बता दें कि पंचकुला पुलिस के द्वारा एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ पंचकुला पुलिस के द्वारा किया गया है और मौके से तकरीबन 5,000 से ज्यादा खाली बोतलें और पानी के टैंक बरामद हुए हैं। बता दें कि यह कार्रवाई बरवाला स्थित अलीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में यह फैक्ट्री चल रही थी और नकली शराब बनाने की पुलिस को गुप्त रूप से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से नकली शराब की इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और यहां से तकरीबन 5,000 से ज्यादा खाली बोतलें और पानी के टैंक बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने प्लॉट के मालिक को मौके पर बुलाकर पूछताछ की है तो पता चला है कि प्लॉट के मालिक ने यह जगह किराए पर दी थी। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और बड़ी बात तो यह है कि 2 दिन पहले भी पंचकुला की पुलिस ने इस तरह की बड़ी कार्रवाई की थी और तब मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया था। तो वहीं अब आज के दिन एक बार फिर से नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि पंचकुला की पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बरवाला स्थित अलीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और मौके से तकरीबन 5,000 से ज्यादा खाली बोतलें और पानी के टैंक बरामद किए गए हैं। बता दें कि नकली शराब बनाने के पुलिस को गुप्त रूप से सूचना मिली थी तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर नकली शराब बनाने का अवैध रूप से ये धंधा चलाया जा रहा था और तकरीबन मौके से 5,000 से ज्यादा खाली बोतलें और पानी का टैंक बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीपुर जो HSIDC का इलाका है उसमें 187 नंबर पे हमने परसों रेड किया था और उसमें भारी मात्रा में जो देसी शराब है वहाँ से रिकवर हुई थी। उसकी जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डीपली तो उसमें एक एक्यूज ने डिस्क्लोज़र किया कि इससे पहले नकली शराब बनने की जो कार्रवाई थी वो 101 नंबर के इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी जारी थी, जो उस सूचना के ऊपर जो है प्रबंधक थाना चंडीगंदर को ये सूचना दी गई और उन्होंने वहाँ पे रेड किया। मालिक को बुलाया गया, मालिक ने आगे वो किसी को रेंट पे दिया हुआ था और जिसको रेंट पे दिया हुआ था जब वो नहीं आया तो उनकी प्रेजेंस में प्रोसीजर के अनुसार उसको उसके ताले खोल के चेक किया तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में 5,000 प्लस के करीब जो है 750 ml की जो शराब की पेट बॉटल होती हैं वो मिली और वहाँ पे एक पानी को शोधन करने का संयंत्र जो कि शराब बनाने में ही प्रयोग होता था वो मिला। अभी इन्वेस्टिगेशन पर्चा दर्ज होके इनिशियल स्टेज पे है, जल्दी ही इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको इसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा।